मेरे पास एक एप्लीकेशन है पार्क यूरो सिटी के खिलाफ। अच्छा हाँ, ये बहुत ही अहम, कि कल रात भी उन्होंने एक एहतजाजी मुजाहरा किया है और उसमें भी बात सामने आई थी, मगर ये भी हमें मालूम है कि और तो जो ऑफिसर्स हैं उनकी जान को उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आपकी कुछ तारीफ भी वहाँ सामने आई कि वज़ीर आला कंप्लेंट सेल से हमें इंसाफ की तवक्को है, तो क्या वो दरख्वास्त है और आपने क्या किया उसका? जी आकाश न्यारी साहब, इस पे मैंने फौरी तौर पे सीएम हाउस रब्ता किया, उन्होंने मुझे फौरी तौर पे रिप्लाई दिया है। मुझे सीएम साहब ने बड़ी सख्ती से हदायत की है कि इस पे फौरी एप्लीमेंट किया जाए और इन गरीब लोगों को इंसाफ फराम किया जाए। ठीक है, मुझे काफ़ी लोगों ने आके शिकायत की है एसी ऑफिस से, डीसी ऑफिस से, कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे। मैं इंशाल्लाह जल्द इनका भी लेटर लिख के भेज रहा हूँ, सीएम साहब इस पे भी फौरी एक्शन लेंगे। अच्छा, इसमें सर कोई नोटिस भी सुना है कि आपकी तरफ से कंप्लेंट सर से जारी कर दिया गया है उस हाउसिंग सोसाइटी को, मैसम को, तो क्या मजीद कार्रवाई होगी? क्या आपने को एनओसी उनसे मांगा है? क्या मैटर क्या है, किस तनाजर में आप उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं? जी जी आकाश न्याजी साहब, मौकफ देना तो हर बंदे का हक है, बिल्कुल उनको नोट्स भेजे गए हैं, जितने फ्री कैन है सबको तलब किया गया है, तकरीबन समथिंग 42 फैमिलीज है ये जी, इनका मौका है कि जी हमारी ज़मीनों पर पाक यूरो सिटी कब्जा कर रही है। ठीक है, अगर पाक यूरो सिटी के पास कोई एनओसी वगैरह है या उनकी कोई फाइल जिला कौंसल में है तो वो हमें प्रोवाइड करें, हम इंशाल्लाह उनको भी इंसाफ देंगे और जो मुतासरा खानदान है उनको भी इंसाफ देंगे। सर आखिर में आप ज़िला गुजरात के अवाम को क्या मैसेज देंगे कि जिनको इंसाफ खास और सरकारी अदारों से नहीं मिल रहा, तो आप एक तो प्लीज़ उनको अपना दफ्तर का भी कुछ बताएं और नंबर भी अपना दें, क्योंकि काफ़ी लोग ये काश न्याजी साहब, ये मैं पहले भी आपके तवसत से अपना ऑफिस का बता चुका हूँ, मैंने अपना नंबर भी दिया था 0539200055, ये मेरे ऑफिस का नंबर है। कोई भी जेल चौक के करीब है आपका, ये डिस्ट्रिक्ट कौंसिल गुजरात में है, जेल चौक के करीब है, है। कोई भी बंदा है, चाहे वो पीटीआई से है, नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से है, ये सब का ऑफिस है, ये अकेले किसी काफ लीग का बिल्कुल बाला तारा है। हम मेरे कायद ने पहले दिन मुझे हदायत दी थी कि किसी, तुमने ये नहीं देखना कि ये किस पार्टी का बंदा है, कोई बंदा तुम्हारे पास आएगा उसका फौरी एप्लीमेंट करना है, उसका हल करना है। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।